नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। दोस्तों, हम इस वक्त खड़े हैं ओल्ड फरीदाबाद, मेन रोड है यहाँ पर। ये रोड सीधी नहर पार निकल जाती है, खेड़ी पुल। रोड के दोनों तरफ अभी तक हरे भरे पेड़ खड़े थे, लोगों को छाया से बचाते थे, लेकिन कल से यहाँ पर पेड़ कटने शुरू हो गए हैं। ये पेड़ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए, ये पेड़ कटा है, आगे 5-7 पेड़ और कटे हैं। कुछ दिनों में पेड़ विहीन कर दिया जाएगा इस रोड को। अभी तो ये कहा जा रहा है कि हम रोड को चौड़ा कर रहे हैं, रोड को चौड़ा करेंगे, बढ़िया रोड बनाएंगे। लेकिन सवाल ये है, अगर फरीदाबाद को इसी तरह से पेड़ विहीन किया जाएगा, पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे, तो हमारे शहर में प्रदूषण और बढ़ेगा, गर्मी और बढ़ेगी, बीमारियाँ और बढ़ेंगी, अस्पतालों में लाइन और बढ़ेगी, भीड़ और बढ़ेगी। बहुत ही दुखद है, ये पेड़ काटे जा रहे हैं। हम यहाँ पर पहुँचे हैं, हमने इनसे परमिशन लेटर की मांग की। यहाँ पर सौरव भाटिया जी हैं, जो युवा जागरूक युवा हैं, इन्होंने परमिशन लेटर की मांग की, तो परमिशन लेटर नहीं दिखा पाए। ये कहा जा रहा है कि परमिशन लेटर ऑफिस में रखा हुआ है। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी हमने बुला लिया है। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ इस रोड को पेड़ विहीन बनाया जा रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, रोड को चौड़ा करने के नाम पर, जबकि इस रोड को चौड़ा करने की अभी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे दूसरी तरफ सेक्टर 31 वाला रोड चौड़ा किया जा रहा है। अगर इस रोड के बीच में जो रेलिंग है, अगर उसको हटा दिया जाए, तो रोड अपने आप चौड़ा हो जाएगा। लेकिन पेड़ पौधों को काटने की ज़रूरत क्या पड़ी, ये सोचने वाली बात है, हैरान करने वाली बात है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, फरीदाबाद को धीरे धीरे पेड़ विहीन बनाया जा रहा है। इससे पहले 91 में 92 में हर जगह पेड़ काट दिए गए, रोड पर अभी एक भी पौधा नहीं बचा है, पेड़ नहीं बचा है। एक पेड़ को बड़े होने में 20-25 वर्ष लग जाते हैं। अगर फरीदाबाद को अभी पेड़ विहीन बना दिया गया, तो फिर से हरा भरा होने में 20-25 वर्ष लगेंगे। बहुत बड़ा नुकसान होगा पर्यावरण को और हमारी सेहत को। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। ये देखिए, ये पेड़ कटा हुआ है, और ये जो जितने भी पेड़ लगे हैं दोनों तरफ, सभी पेड़ों को काट दिया जाएगा। ये पेड़ कटा हुआ है, ये देखिए, ये पेड़ कटा हुआ है, और उधर LNT की मशीनें लगी हैं, JCB मशीनें लगी हैं, यानी रोड को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया गया है। हमें रोड को चौड़ा करने से कोई आपत्ति नहीं है, विकास सभी लोग चाहते हैं, लेकिन अगर इन पेड़ों को ना काटा जाता, रोड को चौड़ा करके गोला बना दिया जाता, ये पेड़ जिंदा रहते और हमें ऑक्सीजन देते रहते, हमें बीमारियों से बचाते रहते। कई शहरों में ऐसा होता है, और कई रोड पर आपने देखा होगा, पेड़ की जगह को छोड़कर बाकी रोड बना दिया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर पेड़ों को काटा जा रहा है। आज पेड़ काटे गए हैं, देखिए, और मैं आपको आगे दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर पेड़ काटे गए हैं। ये पेड़ काटा गया है, देखिए, ये सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, दोनों तरफ जितने भी पेड़ हैं उन सब को काट दिया जाएगा। आप सोचिए, इन पेड़ों को वापस बड़ा होने में, अगर पौधा लगाया जाएगा, तो उसे पेड़ बनने में 20-25 वर्ष लग जाएंगे, यानी हमें फिर से शुद्ध ऑक्सीजन मिलने में 20-25 वर्ष लग जाएंगे। तब तक हमें गर्मी में रहना पड़ेगा, प्रदूषण में रहना पड़ेगा, बीमारियों का शिकार होते रहना होगा। देखिए किस तरह से पेड़ काटे गए हैं, ये हरे भरे पेड़ हैं जो छाया देते हैं, जो ऑक्सीजन देते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। ये हरे भरे पेड़ काट दिए गए हैं यहाँ पर, ये देखिए, इतना मोटा सा पेड़ था, ये इतना मोटा पेड़ था, इसको काट दिया गया। देखिए कितनी हरियाली ये फैलाता था, ये पेड़ कितनी ऑक्सीजन देता था, लेकिन इसको काट दिया गया। और ये पेड़, इस पर काम लगा हुआ है, आरी चलने ही वाली थी, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, आरी चलने वाली थी, अभी काम रुक गया है। अभी इनसे परमिशन लेटर मांगा गया है, अगर परमिशन होगा तो ठीक है, अगर परमिशन नहीं होगी तो FIR बनती है, कार्रवाई बनती है।
तो आपने देखा किस तरह से फरीदाबाद में हरे हरे पेड़ काट दिए जा रहे हैं, किस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और हमारे शहर के पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल का ये इलाका है, विपुल गोयल यहाँ से विधायक हैं, पर्यावरण मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, शहर को हरा भरा बनाएं, लेकिन पेड़ काटे जा रहे हैं, फरीदाबाद को पेड़ विहीन बनाया जा रहा है। फरीदाबाद का टेम्परेचर देखिए आप लोग, दिनों दिन गर्म होता जा रहा है, रोज़ाना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हम धूप में 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते, ऐसी हालत हो रही है। और ये पेड़ जो हमें धूप से बचाते हैं, जो हमें छांव देते हैं, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, उन पेड़ों को काट दिया जा रहा है। आप लोग देखते होंगे जब भी हम रोड पर चलते हैं, अगर कहीं छाया देखते हैं तो वहाँ पर रुक जाते हैं, वहाँ पर आराम करते हैं। फरीदाबाद ऐसा शहर बनता जा रहा है जहाँ पर अब पेड़ ही नहीं दिखते और जो पेड़ हैं उनको काट दिया जा रहा है। अब देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है, अगर परमिशन होगी तो ठीक है, अगर परमिशन नहीं होगी ये भी देखा जाएगा इसकी परमिशन किस तरह से हासिल की गई है, क्या परमिशन देना ज़रूरी था या मजबूर या प्रेशर में डालकर परमिशन ली गई है। कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, उसकी जांच होगी और FIR दर्ज होगी। हम प्रशासन से, पुलिस से और सरकार से अपील करते हैं, इस तरह से पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाया जाए, पहले पेड़ लगाए जाएं, उसके बाद पेड़ों को काटा जाए, क्योंकि जब पेड़ नहीं लगेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, तो पहले पेड़ लगाया जाए उसके बाद पेड़ों को काटा जाए। देखते हैं इस मामले पे क्या कार्रवाई होती है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि सरकार तक ये वीडियो पहुँचे और उनकी आँखें खुलें। नमस्कार, जय हिंद।